गिरिडीह के मुफस्सिल थाना इलाके में रविवार की शाम पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई, जिसमें एक जवान जख्मी हो गया। हालात तब बिगड़े जब पुलिस सड़क जाम कर रहे लोगों को हटाने पहुंची। मुफस्सिल थाना के औद्योगिक क्षेत्र के विश्वासरी में स्थित मुंद्रा राइस मिल में कर्मी की मौत के बाद प्रदर्शन शुरू हुआ। सिमरिया दौड़ा के एक युवक सद्दाम आलम की मौत फैक्ट्री के भीतर ही हो गई थी। शनिवार को हादसे में जख्मी होने के बाद धनबाद में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक के परिजनों और माले नेताओं ने मुआवजे की मांग को लेकर पहले राइस मिल का गेट जाम करते हुए धरना दिया और शाम तक प्रबंधन की ओर से जब कोई बात करने नहीं आया तो लोग आक्रोशित हो गए और बरवाडी के पास गिरिडीह धनबाद रोड को भी जाम कर दिया। इससे आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया। सूचना मिलने पर अधिकारी पुलिस के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। सड़क खाली कराने के लिए पुलिस को यहां हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। इसी बीच कुछ प्रदर्शनकारी पुलिस पर पथराव करने लगे, जिसमें एक जवान जख्मी हो गया। करता हूं कि वर्तमान में इस पर्टिकुलर रास्ते को जो आपने जाम किया है, आप इतनी अनावश्यक भीड़ ना लगाएं। जो संबंधित परिवार है, जो संबंधित व्यक्ति है, उससे वर्तमान में हम व्यक्तिगत रूप में बात करेंगे। अरे फिर कहाँ जा रहा है, सब आया है खाने के लिए। गिरफ्तारी जरूरी है, ठहर के होता है। हाँ राज सर।